शेख साधु की पुस्तक गुलिस्तान दूसरा अध्याय साधु की नीति 18वीं कहानी। चु बंदा खुदाए खैश ख्वानत वायद के वजूज खुदा नदानत। अर्थात जो अपने को ईश्वर का भक्त समझता है उसे चाहिए कि वह ईश्वर के सिवा और किसी से। बादशाह ने एक फकीर को बुलाया। फकीर ने मन में सोचा कि अगर मैं कोई ऐसी दवा खा लूं जिससे कमजोर हो जाऊं तो बादशाह मेरी तारीफ करेगा। कहते ही उसने प्राण घातक विष खा लिया और मर गया। वो मनुष्य जो मुझे पिस्ते की तरह फूला हुआ मालूम होता था उस पर प्याज की तरह तह पर तह थी। वो फकीर जो संसार की तरफ देखता है मक्के की तरफ पीट करके उपासना करता है जो अपने तई ईश्वर का सेवक करता है उसे उचित है कि वो ईश्वर के सेवा की। सारांश यह है कि सच्चे फकीर को दुनिया और दुनिया की निंदा स्तुति से क्या मतलब। जो ईश्वर का सेवक हो उसे केवल ईश्वर से ही मतलब रखना चाहिए। कहानी समाप्त।